बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है काश्तकार भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज दोस्तों गंदम को पानी लगाया हुआ है। इस गंदम को पांचवा पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस गंदम के सिट्टे जो हैं वो पूरी तरह से निकल आए हैं। इन सिट्टों के अंदर जो दाने की भराई का अमल है वो शुरू हो गया है। इस दौरान गंदम को पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो इसमें पोटाश का या तो स्प्रे कराएं, या तो उसे फ्लड कर दें, या फिर सल्फर वगैरह इसको डाल दें। लेकिन मैंने इसको पिछले पानी पर 2 kg/acre सल्फर डाल दिया था, तो अब जो मैंने इसको पानी लगाया है वो वैसे ही लगा दिया है पानी। और अब इसको पोटाश की जो है ना वो स्प्रे करनी है, क्योंकि अब सिट्टे के अंदर मौजूद दाना जो है उसको खुराक की ज़रूरत है, और जो पोटाश है वो खुराक बनाने के अमल को तेज़ करती है। इससे पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। कुछ काश्तकार भाई जो हैं वो इस स्टेज पर गंदम को पोटाश का स्प्रे नहीं करते, तो उसका नुकसान यही होता है कि दाना जो है वो कमज़ोर हो जाता है और पैदावार पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इस स्टेज में गंदम को हर हाल में या तो पोटाश जो है वो फ्लड कर दें, या उसके गंदम के ऊपर पोटाश का स्प्रे करवाएं। इससे जो आपकी फ़सल है एक तो भरपूर पैदावार देगी और दाना मोटा और सेहतमंद होगा।